अब जी मेरे पास ये लंग्स हैं, ठीक है, लंग्स, लंग्स बेसिकली आपकी बॉडी के अंदर सस्पेंडेड हैं, लटके हुए हैं, ठीक है, आपकी बॉडी के अंदर ये लंग्स लटके हुए, ऐसे ये कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, जिन्होंने आपके लंग्स के अंदर गए, ऐसे स्ट्रक्चर्स जो आपके लंग्स के अंदर गए और उन्होंने लंग्स को एंकर कर लिया, लटका लिया, ठीक है। अब ये भी कोई स्ट्रक्चर लंग्स के अंदर जा रहे हैं, यहाँ पे ऐसे एक वेज शेप्ड बनाई हुई है ना, ये देखो ये एक वेज शेप्ड स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं इधर, ऐसे लगता है कोई कैविटी है ये, जिसके अंदर से ये स्ट्रक्चर गुजर रहे हैं, ठीक है। ये कोई वेज शेप्ड सी होलो सी स्पेस है, इस स्पेस के अंदर कुछ स्ट्रक्चर्स जा रहे हैं, आर्टरीज जा रही हैं, प्रॉबेबली वेन्स आ रही हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये चीज़ हम लोग भी डिस्कस करने जा रहे हैं। फिलहाल हमें आइडिया हो गया आपके लंग्स सस्पेंडेड हैं आपके थोरेसिक कैविटी के अंदर। अब जी कुछ स्ट्रक्चर्स ने इसको सस्पेंड किया है, उन सारे स्ट्रक्चर्स को हम लोग कलेक्टिवली कह लेंगे लंग रूट। क्या कहेंगे? लंग रूट, दैट इज़ अ कलेक्शन ऑफ द स्ट्रक्चर्स दैट आर एंटरिंग और लीविंग दी लंग्स, ठीक है, दैट आर एंटरिंग और लीविंग दी लंग्स, लंग रूट। लंग रूट का आपको कहना है डिफाइन करते वक्त दिस इज रिप्रेजेंटिंग दी स्ट्रक्चर्स को रिप्रेजेंट करे, ठीक है, जो आपके लंग्स के अंदर जा रहे हैं, लंग्स से बाहर आ रहे हैं, क्लियर। अच्छा जी, लंग्स के अंदर जा रहे हैं बाहर आ रहे हैं, तो किसी कैविटी के अंदर से आ जा रहे होंगे ना, ये कैविटी ऐसे है ना, वेज शेप्ड कैविटी है। स्ट्रक्चर्स, ये जो आपके पास कैविटी है, कैविटी में से आ जा रहे हैं ना, ये जो कैविटी है दिस इज वेज शेप्ड कैविटी, हमें देखने से पता चल गया दिस इज वेज शेप्ड कैविटी। अच्छा, ये जो होलो स्पेस आपको नज़र आ रही है ना, जहाँ से स्ट्रक्चर्स आ जा रहे हैं, भाई स्ट्रक्चर्स ने गुजरना है किसी स्पेस से ही गुजरना है ना, इस कैविटी को, इस स्पेस को मैंने कह दिया दिस इज हाइलम, दैट इज हाइलम, HILUM। अच्छा, लंग रूट क्या है? लंग रूट इज स्ट्रक्चर्स दैट आर एंटरिंग और लीविंग द लंग्स। हाइलम क्या है? वेज शेप्ड कैविटी है, वेज शेप्ड कैविटी है, होलो स्पेस है, जहाँ से भी स्ट्रक्चर्स आ जा रहे हैं। अब जी हम लोग डिफरेंस देख लेते हैं हाइलम वर्सेस दी लंग रूट या रूट ऑफ दी लंग्स। सबसे पहले देखो बच्चों डेफिनेशन में, हाइलम ऑफ द लंग, हाइलम इज अ, देखो लिखा है वेज शेप्ड, ये वेज शेप्ड है, दिस इज द वेज शेप्ड डिप्रेशन, डिप्रेस्ड एरिया ऑफ द लंग्स दैट अलाउज द रूट ऑफ द लंग्स टू एंटर और लीव, ठीक है, क्लियर है ये। दूसरी तरफ जी डेफिनेशन अगर मैं लंग रूट की बात करूँ, दीज आर द स्ट्रक्चर्स दैट आर एंटरिंग और लीविंग दी हाइलम। नाउ दिस इज, अगर मैं इस वेज शेप्ड स्ट्रक्चर की बात करूँ ना, दिस वेज शेप्ड स्ट्रक्चर, दिस इज टू डायमेंशनल, ठीक है। अगर मैं स्ट्रक्चर्स की बात करूँ, स्ट्रक्चर्स कौन कौन से हैं? ब्रोंकाए है, ठीक है, आर्टरीज हैं, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी है, देखो जो हार्ट से ब्लड को लेकर आ रही थी, पल्मोनरी वेन है जो लंग्स से ब्लड को हार्ट की तरफ लेकर जा रही है, ठीक है, लिम्फेटिक्स हैं, नर्व्स हैं, ठीक है, क्लियर। सो बच्चों नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आ जाओ। अब की डिफरेंस आप लोगों ने याद रखना है, जब डिफाइन करो बच्चे डेफिनेशन लिखते हैं, डेफिनेशन में जो वर्ड मिस कर देते हैं, रूट, लंग रूट स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, आपके पास हाइलम डिप्रेशन है, कैविटी है, स्पेस है, ये वर्ड मेन डिफरेंस बस लिखते वक्त आप लोगों ने ये डिफाइन कर देना है, क्लियर है बच्चों। हाइलम, अब ये जो मेरे पास हाइलम आ गई है, ये जो मैं इस हाइलम की, इस वेज शेप्ड टू डायमेंशनल कैविटी की बात कर रही हूँ, दैट इज बिटवीन T5 टू T7, ठीक है। अब मैं T5, T6, T7 को पकड़ दूँ, जितनी स्पेस वो ऑक्यूपाई कर रहा है ना, इतनी मेरी कैविटी है, क्लियर, इतनी लेंथ में मेरी कैविटी आ रही है मेरे पास, क्लियर, T5 टू T7 तक, क्लियर।